डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 10th में जो हम लोग साइंस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, इस साइंस सब्जेक्ट में हम लोगों ने जैव प्रक्रम, एक बायोलॉजी का चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैव प्रक्रम वाले इस चैप्टर में, जो एक बायो का चैप्टर है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और कहाँ के क्वेश्चन को, तो अभ्यास अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसा कि जानते हैं, अभ्यास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक के कंप्लीट किया था। टोटल इसमें 13 क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन किया जाए, लिखा जाए 12 नंबर। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जी हाँ, एक्चुअली हम लोगों का मतलब ये पूछ रहा है सवाल कि जाइलम होता है जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक है, और एक पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक का नाम है फ्लोएम। तो एक ऊतक का नाम है जाइलम और दूसरा ऊतक का नाम है फ्लोएम। तो जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक, ये दोनों ऊतक में क्या अंतर है, ये हमें सवाल बोला जा रहा है। ठीक है, क्या अंतर है ये सवाल हमें बोला जा रहा है कि बताओ भाई कि क्या अंतर है। तो अंतर हमें पूछ रहा है जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखा जाए। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में निम्नलिखित अंतर है। नंबर वन, जाइलम मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज का वहन करता है। मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में, ऐसे लिखिएगा, जबकि फ्लोएम पत्तियों में, जहां जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, उन्हें पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उन्हें पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जी हाँ, आप पहले अंतर को समझ जाइए। पहला अंतर हम लोग क्या लिखें, तो पहला अंतर हम लोगों ने लिखा कि जाइलम और फ्लोएम में, सवाल बोला कि क्या अंतर है। परिवहन परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले में। सबसे पहले याद रखिएगा कि जाइलम जो है, पौधे के जड़े जो है मिट्टी से जल को सोख कर पूरे शरीर तक फैलाती है, जबकि फ्लोएम का काम क्या है,
कि जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे अपना भोजन बनाए उस भोजन को पूरे शरीर में फैलाता है, तो वो कौन कार्य करता है? फ्लोएम। ठीक है, तो ये पहला उत्तर था, पहला अंतर था सॉरी। दूसरा लिखा जाए, जाइलम द्वारा परिवहन, जाइलम द्वारा परिवहन जिसे जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसके विपरीत, इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। चलिए दूसरा अंतर हम लोग क्या देखें कि जाइलम में जो जल का वहन होता है कि पेड़ पौधे जड़ से सोकर और उसके तना तक पत्तियों तक पहुंचा है, तो इससे एक बल द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे आप किसी भी चीज को नीचे से उठाते हैं, जैसे भरा हुआ बाल्टी को आप उठाते हैं तो आपको बल लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम यह बोल रहे हैं कि जाइलम को जड़ द्वारा, जड़ से जल को सोखकर और ऊपर तक लाना पड़ता है, इसलिए इससे हम लोग जाइलम से बल को समझाया जा सकता है, बल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन फ्लोएम काम क्या करता है, तो हम लोग इसको स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लिया कि ऊपर से अगर छत पे पहुंचे हैं, अगर उस पे ईटा को छोड़ना होगा तो उसको नीचे जाने में, ईटा को सिर्फ छोड़ देना है, नीचे गिराने में मेहनत नहीं है, जबकि उसको ऊपर ले जाने में ज़्यादा मेहनत है। इसलिए जब हम लोग उसको नीचे डालते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब, स्थानांतरण का मतलब होता है सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर देना। अक्सर भोजन, फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बना उसको पूरे भाग तक भेजना, यानी कि नीचे ही ना भेजेगा, तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्थानांतरण होता है जो ऊर्जा के उपयोग को पूरा करता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ऊर्जा जो है उपयोग में सम्मिलित होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए दोस्तों चला जाए क्वेश्चन नंबर 13 में, लिखा जाए 13। फुफ्फुस में कुपिकाओं की, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा तथा ब्रिक में ब्रिक में वृकाणु, उसी को नेफ्रॉन भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में नेफ्रॉन, ब्रिक में वृकाणु ब्रैकेट में नेफ्रॉन की रचना तथा कुपिकाओं की तुलना कीजिए, सॉरी क्रिया विधि की तुलना कीजिए, रचनाओं तथा क्रिया विधि का तुलना कीजिए। सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से फुफ्फुस में हमारा जो हम फेफड़े का, लंग्स का श्वसन क्रिया में, मानव का श्वसन क्रिया में हम लोग फिगर जो बनाए थे उस, वहाँ पे फुफ्फुस होते हैं और फुफ्फुस में बहुत तरह का कुपिकाएं होते हैं, ठीक है, उसी तरीका से ब्रिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ब्रिक में पाए जाते हैं वृकाणु। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि फुफ्फुस में जो कुपिकाएं मौजूद होती है, ये कुपिका जो है छन्ना पत्र जैसा होता है, यानी कि इसका काम है कि जो हम लोग श्वसन की क्रिया में जो वायु लेते हैं उससे ऑक्सीजन को अलग कर देना, ऑक्सीजनित जो वायु है उसको एक तरफ कर देना, वो कौन करता है? कुपिका। हालांकि वृक्क में जो वीरिकाणु होते हैं ये काम करते हैं, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी जल पीते हैं, तो उसमें अमोनिया या फिर बोल सकते हैं यूरिया को एक साइड मिलाते हैं, एक साइड यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है उसको एक स्टोर करता है, उसको इकट्ठा करता है। तो कुल मिला के हमें सवाल बोल रहे कि फुफ्फुस में जो कुपिकाएं होती है और वृक्क में जो वृकाणु होती है, सबसे पहले तो रचना बनाना है। रचना का मतलब संरचना, और संरचना का मतलब दोस्तों फिगर। तो बोल रहा है कि फुफ्फुस में जो कुपिका होती है उस कुपिका का फिगर बनाइए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि मानव श्वसन में जो कुपिकाएं होती है, ये आपको फिगर मिल जाएगा बुक में, ठीक है। मानव श्वसन में जो कुपिकाएं होती है, तो सिर्फ कुपिका का ये पूरा का पूरा तरीके से श्वसन क्रिया वाला नहीं बनाना है, ठीक है। मानव का श्वसन वाला नहीं, सिर्फ कुपिका का फिगर बना दीजिएगा। और फिर इधर है वृकाणु, और वृकाणु का मतलब होता है नेफ्रॉन। तो पहले भी सवाल में हम लोग नेफ्रॉन का फिगर बनाए हुए थे, तो एक तरफ लिखिएगा कुपिका का फिगर और दूसरे तरफ लिख दीजिएगा नेफ्रॉन का फिगर। ये हो गया आपका रचना। अब आगे बढ़े सवाल में, तो बोला जा रहा है कि दोनों में क्रिया विधि का तुलना करना है, यानी कि फुफ्फुस में जो कुपिका होती है उसका क्रिया विधि क्या है और वृक्क में जो वृकाणु होती है उसकी क्रिया विधि क्या है। तो सबसे पहले कुपिका का फिगर बना लीजिएगा, देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में होगा। अगर आपको डाउट्स होगा तो नहीं होगा तो हम कुपिका का फिगर हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। वहां पे फुफ्फुस में जो कुपिकाएं होती है उसका फिगर बना लीजिएगा, ब्रिक में जो वीरिकाणु होती है, वीरिकाणु का मतलब नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसका आप नेफ्रॉन का बिल्कुल फ्रेश डायग्राम देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हम इसका भी फिगर भेज देंगे। फिगर बनाने के बाद उसके नीचे से फिर से उत्तर लिखना है कि फुफ्फुस में कुपिका की क्रिया विधि, क्योंकि फुफ्फुस में जो कुपिका है इसका भी क्रिया विधि लिखना है, और वृक्क में जो वृकाणु है इसका भी क्रिया विधि लिखना है। तो उसके नीचे आंसर करेंगे, फुफ्फुस में कुपिका की क्रिया विधि निम्नांकित है। फुफ्फुस में कुपिका की क्रिया विधि निम्नांकित है। पहला पहला ये भी सिर्फ फुफ्फुस में कुपिका का क्रिया विधि देख रहे हैं। पहला लिखा जाए, फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग, फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना प्रदान करती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना प्रदान करती है जिसे कुपिका कहते हैं, जिसे कुपिका कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का
विनिमय हो सकता है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। थर्ड लिखा जाए, तीसरा नंबर, कुपिका की दीवारों में, रुधिर वाहिका का, घना जाल होता है। रुधिर वाहिका का घना जाल होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्या लिखें, अभी सिर्फ हम लोग लिखें कि फुफ्फुस में जो कुपिकाएं होती है इसका क्रिया विधि क्या है। तो हम जानते हैं कि फुफ्फुस के अंदर वायु को जाने के लिए बहुत छोटा 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 नलिकाएं होते हैं जो एक अंत में गुब्बारे जैसी रचना प्रदान करती है, उसको हम लोग कुपिका कहते हैं। और दूसरी बात कि यह एक सतह उपलब्ध कराती है, कौन? कुपिका। इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो किसके वजह से? तो कुपिका के वजह से, क्योंकि यही एक सतह प्रदान करती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, अदला बदली हो सकता है। फिर लिखें कि कुपिका के दीवारों में रुधिर वाहिका का, यानी कि खूनों का, खून को जाने के लिए, ब्लड को जाने के लिए एक बहुत ही पतला जाल होता है। ठीक है, कहाँ पे? कुपिका के दीवारों पे, कुपिका के सतह पे। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक्क में वृकाणु भी है, तो उसके नीचे फिर से उत्तर लिखा जाए। वृक्क में वृकाणु के क्रिया विधि निम्नांकित है, पहला पहला वृक्क में वृकाणु छना हुआ मूत्र इकट्ठा करता है। छना हुआ मूत्र यानी कि वो छना हुआ मूत्र में यूरिया होता है, याद रखिएगा, इकट्ठा करता है। दूसरा लिखा जाए इसका, प्रत्येक ब्रिक में लगभग, दस लाख वृकाणु होता है, 10 लाख वृकाणु होता है जो आपस में, निकटता से पैक रहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आज हम लोग पूरा का पूरा जैव प्रक्रम वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया, हम लोगों को ख़त्म हो गया। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग फिजिक्स में भी एक चैप्टर, केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर, बायोलॉजी में भी एक चैप्टर, तीनों में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए हम दोबारा से फिजिक्स पढ़ते हैं, इस बार फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और सेकेंड चैप्टर यानी कि एनसीईआरटी का ये 11वां नंबर चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी के कितना है, 11 नंबर चैप्टर है। हालांकि हम लोग फिजिक्स में तो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पहला पढ़े प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अब 11 में है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देखेंगे मानव नेत्र के बारे में,
और ये रंग बिरंगा संसार जो है ये बस इस तरीके से किससे हम लोगों का चैप्टर का नाम है। तो हम लोग अगले दिन से यही फिजिक्स पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।